Come follow me to a secret place where only. Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. आज मैं हूँ जी रफेल भाई के फॉर्म पे और इन्होंने देखे मुझे हाइजीन के लिए जो है प्रॉपर जो है ड्रेसअप किया है. इनकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी नहीं है, इंग्लिश मेरी भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि एक दूसरे को समझ रहे हैं. ये मैंने वीडियो स्पेशल अपने व्यूअर्स के लिए बनाई है और ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं जी कि यूरोप में लोग किस तरह जो है ना वो बर्ड कीपिंग कर रहे हैं. और चले मैं आपको दिखाता हूँ जी. रफेल भाई का जो ताल्लुक है वो कोयंबरा से है जो कि पुर्तगाल में है. ये लिस्बन इनका जो मेन सिटी है उससे तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है. अच्छा, इन्होंने रा और रिंग नेक की बहुत अच्छी अच्छी म्यूटेशंस रखी हुई हैं. ये वीडियो मैं कंप्लीट रा पे बनाऊंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये उनसे कैसी ब्रीड ले रहे हैं. इसके अलावा मैं डाइट के हवाले से बात करूंगा कि कौन कौन सी ये बर्ड्स को डाइट डाल रहे हैं, विटामिन कौन से डाल रहे हैं, केज साइज इन्होंने बर्ड्स को कैसा दिया हुआ है, इनका केज के हवाले से क्या एक्सपीरियंस है बड़े छोटे केज का, तो ये मैं सारी डिटेल बताऊँगा. सबसे पहले बात करते हैं जी डाइट की. तो डाइट जो है ये सिर्फ बर्ड्स को पैलेट डालते हैं, पैलेट के अलावा कुछ नहीं डालते. इनका ये कहना है कि पैलेट जो है वो एक कंप्लीट डाइट है. इसके अलावा जब बर्ड्स को पैलेट्स डालते हैं तो आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं होती. तो सिर्फ पानी और पैलेट्स, ये दो चीज़ें डालते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं डालते. इनके बर्ड्स जब बच्चे निकालते हैं तब इनको सीजनल फ्रूट डालते हैं और उसके अलावा वो भी कभी कभार, नहीं तो डेली बेसिस पे जो ये पैलेट्स डालते हैं एक बर्ड को 250 ग्राम पर बर्ड जो 24 घंटे चलता है. इसके अलावा बात की जाए विटामिन्स की तो ये मोस्टली जो यूरोपियन ब्रीडर्स हैं ये विटामिन्स बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं. ये नहीं कि अगर देखा कि मेरे पास ब्रीड अच्छी आ रही है तो मेरा इन्होंने विटामिन इस्तेमाल कर लिया, ऐसे नहीं. ये उनकी टोटल डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो विटामिन्स यूज़ करें जो बर्ड्स के बने हुए हैं, पोल्ट्री के या कोई और एनिमल्स वगैरह के विटामिन इस्तेमाल नहीं करते. अपने बर्ड्स की सेहत के हवाले से ये बहुत केयर करते हैं क्योंकि इन्होंने बर्ड्स को बहुत साला साल चलाना होता है. तो रफेल भाई जो हैं ये नेक्टॉन विटामिन यूज़ कर रहे हैं और ये नेक्टॉन ई और नेक्टॉन एस ब्रीडिंग स्टार्ट होने से एक महीना पहले, जब इन्होंने बॉक्स नहीं भी लगाए होते तो ये एक महीना इनको लगातार इस्तेमाल करवाते हैं. उसके बाद थ्रू आउट ब्रीडिंग सीजन ये हफ्ते में 2 दफ़ा पानी के अंदर जो है विटामिन इस्तेमाल करते हैं. इनका ये कहना था कि जो विटामिन और कैल्शियम है वो आपको पानी में इस्तेमाल करना चाहिए. जो फूड है फूड के अंदर ये बर्ड को जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी नहीं होता, तो बेहतर है कि आप इसको पानी में इस्तेमाल करें. इसके अलावा इनके पास जो बर्ड की म्यूटेशन थी वो रा के अंदर एक्वा ब्लू, डार्क ग्रीन, लेटिनो और ऑलिव्स, ये सारे बर्ड्स अवेलेबल थे और स्पेंगल, मतलब इनके पास वो सारे बर्ड्स थे जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और वो मैंने ऑलरेडी देखे हुए थे. लेकिन इनके बर्ड्स का जो साइज़ था वो इतना कमाल था कि मैंने इतने इतने बड़े हेड साइज़ और वैसे फिजिकली बर्ड साइज़ मैंने कभी इतने अच्छे बर्ड नहीं देखे. तो इन्होंने जो बर्ड जहाँ से ख़रीदे हैं वो ये क्वालिटी पर काम कर रहे हैं. इन्होंने अपने बर्ड्स की क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत अच्छे साइज़ में जो बर्ड्स हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं. कैल्शियम के हवाले से बात हुई मेरी तो इन्होंने कहा कि मैं थ्रू आउट ब्रीडिंग सीजन हफ्ते में 2 दफ़ा कोई सा भी जो बर्ड से रिलेटेड कैल्शियम है वो इस्तेमाल करता हूँ. पोल्ट्री की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता, वो बर्ड की किडनीज़ के लिए या वो बर्ड के लिए डिज़ाइन नहीं होती, इसलिए हम उसकी क्वान्टिटी प्लस माइनस कर सकते हैं. जैसा कि हम लोग हैं वो अंदाजे से जो कैल्शियम आए, कभी हम ह्यूमन कैल्शियम यूज़ करते हैं कभी कौन सा इस्तेमाल करते हैं. तो इनका ये कहना था कि हमने बर्ड्स को साला साल चलाना होता है तो इसलिए हम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेते जिससे हमारे बर्ड की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. इसके बाद केज की बात करते हैं जी. केज पे इनसे मेरे से बड़ी डिटेल में बात हुई तो इन्होंने मुझे ये बताया कि जो केज साइज़ है अगर आप जितना बड़ा देंगे उससे आपके बर्ड की जो हेल्थ है वो उतनी अच्छी होगी. चूँकि इन्होंने साला साल बर्ड रखने होते हैं तो ये रिकमेंड करते हैं कि कम अज़ कम 10 फीट जो केज है वो ज़रूर होना चाहिए. 10 फीट की जो डेप्थ है केज की वो ज़रूर होनी चाहिए. जो छोटे केजेस हैं उनमें ये कहते हैं कि 5-6 साल बर्ड निकालता है और उसके बाद जो है वो बहुत जल्दी जो है ना बर्ड वीक हो जाता है. तो उससे बताते हैं कि उससे बर्ड की जो एक्सरसाइज भी होती है और जो हम विटामिन और कैल्शियम और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, छोटे केज में बर्ड की फ्लाइट नहीं होती जिसकी वजह से बर्ड जो है वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है. तो ये एक रास की बात थी जो इन्होंने मुझे बताई और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं अब
केज मैक्सिमम साइज के अपने तमाम बर्ड्स के लिए बनाऊं। अच्छा, और दूसरा, इनके बर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बर्ड्स हैं अचानक मर जाते हैं। उसकी मेन वजह ये है, इन्होंने थोड़े पेयर रखे हुए हैं और सिंगल केजेस बनाए हुए हैं। किसी ने ऐसा नहीं किया हुआ जैसे कि हमने तीन तीन चार चार पोर्शन केजेस बनाए हुए हैं, ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ। और इनके जो केज हैं उनके अंदर इवन पानी भी खड़ा रहे, फंगस भी लग जाए, उससे भी इनके बर्ड एक्सपायर नहीं होता। उसकी वजह यह कि बर्ड की जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी है, उसकी वजह यह है कि बर्ड की प्रॉपर एक्सरसाइज होती है और बर्ड जो है वो माशाल्लाह बहुत हेल्थी हैं। इनके जो केजेस हैं, इनका साइज़ है, इनकी जो गहराई है वो 12 फिट है, चौड़ाई जो है वो 4 फिट है और हाइट जो है वो 5 फिट है। और इन्होंने सिंगल पोर्शन केज है उसको रिकमेंड किया कि सिंगल पोर्शन केज होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनका जो केज टू केज है वो ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड है। वो मैंने पूछा कि ये क्यों है, तो ये चंद एक बर्ड्स होते हैं जिनके लिए होता है, मैंने तो कभी भी राह को ब्लाइंड नहीं किया। तो कहते हैं कि अगर आप ब्लाइंड करेंगे तो आपके बर्ड की जो ब्रीडिंग परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। तो अच्छा, उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आप पैलेट्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रीडिंग पैलेट्स हैं ये ब्रीडिंग सीजन में इस्तेमाल करते हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैलेट्स हैं ये वो ऑफ सीजन में इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ का कोई लोकल ब्रांड है जिसके ये पैलेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इनका ये फार्म हाउस है जी, फ्यूचर में इनका प्लान है कि यहाँ पे एग्जॉटिक पैरट्स रखने का, और ये कह रहे थे कि मैं तकरीबन 25-25 फुट का जो केज है वो यहाँ पे बनाऊंगा, और नेक्स्ट जब आप आएंगे तो मेरे सारे बर्ड्स हैं वो एक ही जगह पे होंगे। ये जी अब लंच पे लेके जा रहे हैं, नाश्ता किया हुआ मुझे अभी घंटा नहीं हुआ, तो कह रहे हैं कि आप जो है ना लंच करें, लंच का टाइम हो गया। ये टाइम के हिसाब से चलते हैं कि सुबह 8 बजे जो है वो टाइम है ब्रेकफास्ट का, और 12 बजे लंच जरूर कर रहे हैं बेशक पेट में जगह हो या ना हो। सेकेंड डे मैंने इनका रिंग नेक का सेटअप विजिट किया जो बहुत बड़ा था, इसकी डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डालूंगा। रिंग नेक की डिटेल वीडियो जो है वो एक एक अलग अलग मैंने पेयर की वीडियो बनाई है, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं कि इनके पास कौन कौन सी म्यूटेशन है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं है, या मे बी मैंने वो म्यूटेशन कभी देखी ना हो। तो बाकी ओवरऑल बात की जाए जी सफाई सुथराई का, इनका यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर कोई विजिटर आए तो उसको अच्छी तरह पैकअप करके शेड में घुसाते हैं ताकि कोई जरासीम ना आए। इनका ये कहना है 90% बर्ड में जो बीमारी आती है वो विजिटर से आती है, उसके अलावा नहीं आती। तो जब मैं इनके शेड में एंटर हुआ हूँ तो इन्होंने अच्छी तरह मेरे शूज़ वॉश करवाए हैं किसी केमिकल से, और उसके बाद जो है मैं इनके शेड में एंटर हुआ हूँ और हमने जो है सारा शेड विजिट किया है। ओके दोस्तों, आपने रफेल भाई की सारे ब्रीडिंग सेटअप का विजिट किया, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतनी अच्छी मुझे यहाँ पे दावत दी और अभी तक ये मुझे जाने नहीं दे रहे। तो आज भी मैं इनके साथ ही हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। आप लोगों को जो है वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं रफेल भाई? या सलाम पाकिस्तान ब्रीडर्स, ये जी सलाम दे रहे हैं आप सब पाकिस्तानी ब्रीडर्स को, और बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो बड़े बड़े इन्होंने नाम सुना हुआ है पाकिस्तानियों का। तो यार इन्होंने जो मेहमान नवाजी किया मैं आपको बता नहीं सका, इन्होंने मेरे लिए होटल बुक करवाया है और इन्होंने मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आउट ऑफ कंट्री जो है लोग हैं हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो एक चीज़ इन्होंने मुझे कही है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि इन्होंने मुझे कहा है पाकिस्तानी ब्रीडर्स हैं बहुत से मेरे से कांटेक्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर, लेकिन और कहते हैं कि मुझे बर्ड्स चाहिए, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो यार ऐसा ना किया करें, बहुत बुरी बात है, इन लोगों पर हमारा जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ता। तो आज की वीडियो इतनी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhary YouTube channel.